रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। दरअसल पूरा मामला रमाला थाना क्षेत्र के केठल गांव का है, जहां पर आज एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली लगे व्यक्ति को पास के ही एक अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। हमलावर व्यक्ति रिटायर फौजी बताया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ जारी है। अब तो देखना होगा कि आखिर गोली मारने की वजह क्या थी या क्यों गोली मारी गई। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गोली मारी गई। बागपत से ताजिम राणा की विशेष रिपोर्ट। सर, थाना रवाला के केठल गांव घटना है, पूरी घटना क्या है सर? थाना रवाला में केठल गांव में आज शाम को 3:30 बजे के आसपास एक सेवा केंद्र पे दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ। उसमें पवन फौजी नाम का है, जो रिटायर्ड फौजी है बेसिकली, उसने अपनी बंदूक से, लाइसेंसी बंदूक से दीपक के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया। और बाद में जब उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। इसमें तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पवन फौजी को उसके असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो भी आगे की कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। थैंक यू। और क्या हुआ है, घटना बताइए पूरी। मेरा महक सिंह नाम है जी, हम तो अपने घर थे और ये इनका जनसेवा केंद्र की दुकान है, तिरछल गांव के अंदर, बाजार के अंदर जी। ये अपनी दुकान पर काम कर रहे थे दोनों भाई। इसके भाई है छोटा कोमल, कोमल चौहान, इसके नाम से दुकान है, दोनों भाई इसी पर काम करते हैं। और करीब 3:30 बजे वो पवन नाम का एक्स फौजी आया अपने काम के लिए, उसमें कवा सुनी हुई, इन्होंने उसको कहा भाई कल को कर देंगे तेरा काम। उनने उत्तेजित होकर जैसे जो है बंदूक लिए हुए था, और बंदूक वो तो उसके अपने टेबल के नीचे जो है बढ़ गया एकदम, और उसने एक जो है फायर जो है कर दिया, वो इसके जो है कंधे में लग गए। किसको गोली लगी है? गोली लगी दीपक के। नाम है पिताजी का? सत्यवीर। पवन कहाँ का है जिसने मारी है गोली? ये पवन के घर का है। नाम है पवन पिताजी का? उसका जसवंत सिंह।